दोस्तों, गाय और भैंस जिसका दूध आप सुबह सुबह लेते हो चाय के लिए, पीने के लिए, बच्चों के लिए, आखिर वो दूध किस तरह से निकाला जाता है, आज के वीडियो में मैं आपको यही दिखाऊंगा। आज मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गाय का दूध, ये देखिए गाय है, गाय का दूध कैसे निकाला जाता है। तो दूध निकालने से पहले गाय हो या भैंस हो, उसको खल, बिनोला या चूरी ये मिक्स करके उसको चारे में मिला के सबसे पहले उसको डालना पड़ता है। अन्यथा गाय हो चाहे भैंस हो, वो दूध ही नहीं देगी, क्योंकि मना कर देगी। पशु है उसमें ज़्यादा ज्ञान नहीं होता, तो सबसे पहले उसकी पेट पूजा करनी पड़ती है। उसके बाद जब वो खाने में व्यस्त हो जाता है, फिर वो उछले नहीं, लात वगैरह ना मारे, इसके लिए उसके पैरों को बांधना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं न्याणा लगाना। ये देखिए, ये न्याणा लगाने की प्रक्रिया चल रही है। दोस्तों, ये बड़ा रिस्की काम है, इसमें हो सकता है पशु हमें लात मार दे और हमारे बहुत भयंकर चोट लग जाए, हो सकता है हम डॉक्टर तक भी पहुंच जाएं। देखिए, इसके पैरों को बांध दिया गया है गाय के। उसके बाद में अब ये गाय है, ये खाने में व्यस्त है, इसको लालच दिया गया है कि वो खाती भी रहे, और जब उसका दूध निकाला जाए तो बदमाशी ना करे, आराम से दूध दे दे। देखिए, इसके थनों को अच्छी तरह से साफ सफाई की जा रही है, क्योंकि जब गाय या भैंस जब शाम को बैठते हैं तो उसके गोबर वगैरह लग जाता है, क्योंकि ये कच्ची मिट्टी पर बैठते हैं, पक्के फर्श पर इनको बैठाएंगे तो उनको बैठने में असुविधा होगी। तो जब कच्ची जगह बैठती हैं तो जिस तरह से उनका बैठने की जगह वो साफ़ नहीं रहती, तो सबसे पहले अच्छी तरह से उसके थनों को साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद में दूध निकालना शुरू किया जाता है। ये किया देखिए, बाल्टी में दूध गिर रहा है, बड़ा रिस्की काम है दोस्तों, क्योंकि पशु है ये, कोई आदमी थोड़ी है इसको हम समझा देंगे, इसको टैकल करना बड़ा ही मुश्किल का काम है। इसको टैकल करने के लिए, खुश रखने के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था इसको चारा डाला जाता है, ताकि वो खाने में व्यस्त रहे और बदमाशी ना करे, हमें आसानी से दूध दे। वो तो इसमें बड़ा रिस्की काम है, क्योंकि यदि इसमें एक लात मार दी तो हो सकता है कि आपको हॉस्पिटल में पहुंचना पड़े, और हो सकता है ज़्यादा गंभीर चोट हो तो आपकी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है। तो ये बड़ा ही रिस्की काम है, लेकिन दोस्तों कितना भी रिस्की काम हो, यदि कोई भी इसको काम को नहीं करेगा तो आपको पता ही है हमें पीने के लिए दूध कहाँ से मिलेगा, ये काम भी हमें करना पड़ता है। तो इस तरह से गाय हो या भैंस हो, हमें थोड़ा प्रयास करके ही दूध निकालना पड़ता है। अब दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूध निकालने के बाद में किस तरह से घी बनता है, वो पूरी प्रक्रिया मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो को मैं अभी यहीं बंद करता हूं। हो सकता है आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में देसी घी कैसे बनाया जाता है, क्या प्रक्रिया, दूध निकालने के बाद में आगे की क्या प्रोसेस होती है जिससे शुद्ध घी बनता है, जिसको हर कोई खाना चाहता है, कहता है कि भाई देसी घी आपके पास है क्या। वैसे तो मार्केट में खूब मिलता है, लेकिन जो देसी घी होता है उसका मज़ा ही कुछ और है। तो थैंक यू दोस्तों।